गाइस आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीमेल आईडी में किस प्रकार से आप मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं और साथ में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दो मैं आपको इसमें तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो पहला तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप इसमें मोबाइल नंबर ऐड करना, दूसरा बताऊंगा कि आप किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं पासवर्ड। तो गाइस आपको सबसे पहले जीमेल में आना, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में मैनेज यूअर गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में गाइस जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको यहाँ पर शो होगा। तो जो हमारी जीमेल आईडी ऊपर हमको शो हो रही है और होम पर हम यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे एक आपको पर्सनल इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आप देख लीजिए बेसिक इन्फो यहाँ पर नीचे शो हो रही है, फोटो भी लगा सकते हैं, प्रोफाइल कहते हैं जिनको, ठीक है। नेम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर दिख रहा है और कॉन्टैक्ट इन्फो ईमेल दिख रहा है हमको, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर फोन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या है कि रिकवरी के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है अगर हमको जीमेल आईडी रिकवर करनी है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड नाउ का ऑप्शन दे सकते हैं, फोन नंबर ऐड नाउ, इस पर ही क्लिक करना होगा। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर दे, जो भी डिवाइस है जो मोबाइल वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ऐड नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दिया है मैंने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम गाइस यहाँ पर आपको एंटर पासवर्ड के लिए बोल रहा है। तो हमें मान लीजिए हमारा पासवर्ड याद नहीं है, तो पासवर्ड याद है तो इसमें डालकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो मेरी याद नहीं है तो उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से करना है और गाइस उसके बाद में ब्रेक वहीं पर आ जाएंगे, दोबारा ऐड नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और करने के बाद में गाइस यहाँ पर आप फोन नंबर हम आसानी से इसमें डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर इसमें डालना है, नीचे यहाँ पर डाल देता हूँ और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो ये सब कुछ आपको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब ओटीपी डाल दिया और वेरीफाई कर देता हूँ। तो करने के बाद हम गाइस अब क्या है, हमारा जो अपडेट हो जाएगा मोबाइल नंबर इसमें और ऊपर हमको शो भी हो जाएगा। मैं आपको ना दिखा पाऊँ क्योंकि पर्सनल नंबर है तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं मोबाइल नंबर, ये इंडिया का आप देख सकते हैं, यहाँ पर तिरंगा भी दिख रहा है और आगे मोबाइल नंबर दिख रहा है, वेरीफाइड दिखा दिया इसने। तो इतना आपको मैं दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस अब क्या करना है, हमको पासवर्ड चेंज करना है। तो किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर पर्सनल इन्फो में नीचे आना है दोबारा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नीचे थोड़ी स्क्रॉल डाउन करते आना है और यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमको ओल्ड पासवर्ड नहीं डालना, डायरेक्ट यहाँ पर न्यू पासवर्ड के लिए बोल दिया इसने, ठीक है। न्यू पासवर्ड डालो, कंफर्म करो और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है आपको, कुछ इस प्रकार से डालना जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। और कंफर्म करना वही पासवर्ड और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कर दिया जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूर चेंज पासवर्ड हो चुका है हमारे, जैसा देख सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो चुका है, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, आपको इस प्रकार से इसको कर देना है इसको। तो गाइस जैसे इस प्रकार से हम इसमें आसानी से यहाँ पर मैंने इसमें आपको मोबाइल नंबर भी ऐड करके दिखा दिए, चेंज पासवर्ड भी करके दिखा दिए हैं। और गाइस अगर आपको जीमेल आईडी बनाना नहीं आती, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वीडियो कर देना लाइक, चैनल को ना सब्सक्राइब।